हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आया हूँ ओनली ब्लू स्टेशनरी कलेक्शन का वीडियो। और इस बॉक्स में बहुत ही प्यारी प्यारी और बहुत ही यूनिक यूनिक ब्लू स्टेशनरी। गाइस बिना स्किप करे पूरी वीडियो एंड तक देखना, फिर आप मुझे बताना आपको ब्लू स्टेशनरी कलेक्शन कैसा लगा और आज के कलेक्शन में आपको सबसे अच्छी कौन सी स्टेशनरी आइटम लगी, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना वीडियो को लाइक, दोस्तों चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच वीवी के फैमिली की तरफ से। तो चलो फटाफट इस बॉक्स को खाली करते, देखते आज हमें किस तरह की स्टेशनरी आइटम मिलती है और क्या क्या चीजें मिलती है। और आज की वीडियो देखने में आपको 100% मजा आने वाला है गाइस। तो सबसे पहले देखो इस बॉक्स में हमें मिलता है एक बहुत ही प्यारा सा चश्मा, देख सकते हो कितना प्यारा चश्मा मिलता है। और ये चश्मा नहीं है, ये है चश्मे लुक में बहुत ही सुंदर सा एक इरेजर, देख सकते हो चश्मे वाला इरेजर मिल जाता है इस बॉक्स के अंदर। चलो साइड रखते और देखते इस बॉक्स में क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो हमें मिलता है एक बहुत ही प्यारा सा कैरेट, देख सकते हो कितना प्यारा कैरेट मिला है। और ये कैरेट नहीं है, ये है कैरेट लुक में बहुत ही सुंदर सा एक पेंसिल शार्पनर, वो कैसे चलो दिखाता हूं। तो ये देखो कैरेट की पत्ती, इस पत्ती को हम ऊपर से खींचेंगे, फिर शार्पनर का होल ओपन हो जाएगा, फिर इसके अंदर पेंसिल डालेंगे, पेंसिल को शार्प करेंगे, सारा कूड़ा दोस्तों इसी गाजर के अंदर जमा हो जाएगा, फिर बीच में से हम इस गाजर को कुछ इस तरह से खोलेंगे, फिर पेंसिल का सारा कूड़ा फेंक देंगे। तो आपको कैसा लगा ये कैरेट वाला पेंसिल शार्पनर, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जो साइड रखते और देखते इस बॉक्स में क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो हमें मिलता है बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर सा पेन। और इस पेन में दोस्तों हमें तीन तरह की टिप मिलेगी, एक थीन लाइन टिप मिलेगी, एक फाइन लाइन टिप मिलेगी, एक डुअल लाइन टिप मिलेगी, वो कैसे चलो दिखाता हूं। तो ढक्कन ओपन किया और ये देखो इस पेन की टिप कितनी जबरदस्त है और कितने सारे दोस्तों हमें टिप मिल जाते हैं, अलग अलग तरीके से टिप है। और ये देखो चला रहा हूं तो अलग अलग तरीके से ये चल रहा है पेन। तो आपको ये पेन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं और देखते इस बॉक्स में क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो हमें मिलती है बहुत ही प्यारी सी नोटबुक, और ये नोटबुक नहीं है दोस्तों, ये है नोटबुक लुक में बहुत ही सुंदर सी इरेजर, देख सकते हो कितनी प्यारी इरेजर है, ऐसा लग रहा था बिल्कुल रियल की नोटबुक है, बट दोस्तों ये इरेजर है नोटबुक वाली। चल साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो हमें मिलता है बहुत ही प्यारा सा फैन, देख सकते हो कितना प्यारा फैन है, इलेक्ट्रिक फैन मिल जाता है, यहां देख सकते हो बटन मिलता है, इस बटन को दबाया और फैन चालू, और देखो हवा कितनी तेज है इस फैन की। तो आपको ये इलेक्ट्रिक फैन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो हमें मिलता है बहुत ही प्यार सा हैंड पर्स, देख सकते हो कितना प्यारा हैंड पर्स मिला है, और ये हैंड पर्स नहीं है, ये है हैंड पर्स लुक में बहुत ही सुंदर सा इरेजर, देख सकते हो कितना प्यारा पर्स मिल गया इरेजर लुक में दोस्तों। चलो साइड रखते और देखते इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो हमें मिलता है एक डार्ट, देख सकते हो कितना सुंदर डार्ट मिलता है, और ये डार्ट नहीं है, ये है डार्ट लुक में बहुत ही प्यार सा पेन, वो कैसे चलो दिखाता हूं। और इस डार्ट के नोक को हम खोलेंगे तो ढक्कन ओपन होगा और इसके अंदर मिलता है हमें पेन, देख सकते हो कितना प्यारा पेन। तो आपको ये डार्ट वाला पेन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो साइड रखते और देखते इस बॉक्स में क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो हमें मिलती है एक सुपर बाइक, देख सकते हो कितनी प्यारी ये सुपर बाइक है, और ये बाइक नहीं है दोस्तों, ये है बाइक लुक में पेंसिल शार्पनर, वो कैसे चलो दिखाता हूं। तो इस बाइक के पीछे हमें होल मिलता है, इस होल में पेंसिल डालेंगे, पेंसिल को शार्प करेंगे, सारा कूड़ा दोस्तों इस बाइक में जमा हो जाएगा। तो आपको ये बाइक वाला पेंसिल शार्पनर कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जो साइड रखते और देखते हैं इस बॉक्स में क्या मिलता और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो हमें मिलता है बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर सा वैक्यूम क्लीनर, देख सकते हो कितना छोटा सा वैक्यूम क्लीनर मिलता है, और इस वैक्यूम क्लीनर के ब्रश देखो दोस्तों कितने अच्छे कितने सारे ब्रश मिल जाते हैं। चलो इस वैक्यूम क्लीनर को चलाते हैं, देखते हैं ये वैक्यूम क्लीनर कैसे चलता है। तो यहां देख सकते हो ऑन ऑफ का बटन मिलता है, इस बटन को दबाया तो वैक्यूम क्लीनर चालू, और ये देखो दोस्तों वैक्यूम क्लीनर चालू हो गया और हवा भी काफी तेज है, और इस वैक्यूम क्लीनर की सहायता से हम पेंसिल का कूड़ा और इरेजर का सारा डस्ट कलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। काफी सुंदर इलेक्ट्रिक हमें वैक्यूम क्लीनर मिल गया इस बॉक्स के अंदर। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है इस बॉक्स में। तो इस बॉक्स में ये देखो हमें मिलता है बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर सी एक वॉच, देख सकते हो स्मार्ट वॉच मिल जाती है, और ये स्मार्ट वॉच नहीं है, ये है वॉच लुक में बहुत ही प्यारी सी इरेजर, और इस इरेजर को हम हाथ में पहन लेंगे किसी को पता ही नहीं चलेगा हमने इरेजर पहन रखी है, सबको लगेगा हमने वॉच पहन रखी है। तो आपको ये कैसी लगी वॉच प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, यानी इरेजर। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में
क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो हमें मिलता है बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर सा सिल्की क्रियॉन्स कलर। चलो दिखाता हूं ये सिल्की क्रियॉन्स कलर कैसा है, ढक्कन ओपन किया और ये देखो दोस्तों टिप। और इस सिल्की क्रियॉन्स कलर को हम कहीं पे भी चला सकते हैं, मैं अपने हाथ पे भी चला सकता हूं, बॉक्स के ऊपर भी चला सकता हूं और किसी प्लास्टिक की चीजों पर भी चला सकता हूं इस सिल्की क्रियॉन्स कलर को। और ये देखो काफी छोटी टिप है और इसकी टिप को कैसे बड़ा करेंगे, तो पीछे हमें रोलर मिलता है, इस रोलर को घुमाएंगे टिप आगे निकलती जाएगी, देख सकते हो है ना काफी सुंदर दोस्तों काफी प्यार। तो आपको ये सिल्की क्रियॉन्स कलर कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जो साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो हमें मिलती है एक बहुत ही प्यारी बहुत ही सुंदर सी ज्योमेट्री बॉक्स, और ये है ज्योमेट्री बॉक्स एक पेंसिल लुक में, देख सकते हो कितनी प्यारी ये ज्योमेट्री बॉक्स है पेंसिल लुक में दोस्तों। चलो ढक्कन ओपन करते देखते हैं इस ज्योमेट्री बॉक्स में कितना स्पेस है और कितना स्पेस रे आइटम आ जाएगा। ढक्कन ओपन किया तो यहां देखो हमें दो दो वाइप मिलते हैं इस ज्योमेट्री बॉक्स में, और ये देखो इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमें कैलकुलेटर भी मिल जाता है, यहां लॉक मिलता है, इस लॉक को पकड़ेंगे ढक्कन ओपन करेंगे तो ये देखो इस वाले कंपार्टमेंट में हमें क्या मिला, एक कपड़ा मिलता है, कपड़े की सहायता से हम इस ज्योमेट्री बॉक्स को साफ कर सकते हैं। और ये देखो इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमें क्या मिला, एक मिरर मिलता है, और ये देखो इसके अंदर मिलता है हमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कंघा। और वाह ये तो बहुत ही प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है, इस ज्योमेट्री बॉक्स के साथ हमें मिरर और कंघा दोनों फ्री में मिल गया। चलो सेकंड ढक्कन को ओपन करते देखते कि नहीं सेकंड ढक्कन को ओपन किया तो इधर देखो हमें एक और कंपार्टमेंट मिलता है, इस वाले कंपार्टमेंट हमें मार्कर मिलते हैं वो भी दो दो। और वाह और इस कंपार्टमेंट की गहराई देख सकते हो कितनी अच्छी, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा, दोनों कंपार्टमेंट में हमें काफी अच्छा स्पेस मिलता है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। और इस पेंसिल बॉक्स के ऊपर हमें एक होल मिलता है, इस होल का क्या यूज है चलो आपको दिखाता हूं। तो यहां देख सकते हो लॉक मिलता है, इस लॉक को घुमाया और ढक्कन ओपन किया तो इसके अंदर मिलता है हमें पेंसिल शार्पनर, है ना काफी सुंदर सी ये ज्योमेट्री बॉक्स। तो आपको ये ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते और देखते इस बॉक्स में क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में हमें मिलता है एक बहुत ही प्यार सा बियर वाला रूलर, देख सकते हो 15 सेंटीमीटर का रूलर मिल जाता है, क्वालिटी काफी अच्छी है। चलो साइड रखते और क्या मिलता है इस बॉक्स में, तो इस बॉक्स में हमें मिलता है डोरेमोन की ज्योमेट्री बॉक्स, और ऐसी मिनी जंबो ज्योमेट्री बॉक्स आपने कभी भी नहीं देखी होगी, वो कैसे चलो दिखाता हूं। यहां देखो हमें दो बटन मिलते हैं, इन दोनों बटन का यूज दिखाता हूं। तो पहले बटन को दबाया तो ये देखो इस कंपार्टमेंट में हमें मिलता है हिडन शार्पनर, देख सकते हो पेंसिल शार्पनर मिल जाता है, और किसी भी कंपार्टमेंट में इधर हमें पेंसिल शार्पनर नहीं मिलता है। चलो सेकंड बटन दबाते हैं देखते क्या होता है, सेकंड बटन दबाया एक और कंपार्टमेंट रहता है जिसमें हम अपनी छोटी छोटी स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं। चलो बड़े वाले ढक्कन को ओपन करते देखते कितना स्पेस है, बड़े वाले ढक्कन को ओपन किया तो ये देखो ढक्कन में हमें एक पॉकेट मिलता है जिसमें हम अपना पूरा क्लास शेड्यूल लिख के रख सकते हैं, और इधर देखो हमें कंपार्टमेंट मिलता है, इस वाले कंपार्टमेंट में हमें पांच पेंसिल लॉक मिलते हैं जिसमें हम अपनी पांच पेंसिल को लॉक करके रख सकते हैं, और इधर देखो हमें एक लॉक मिलता है, इस लॉक को खोला तो ढक्कन ओपन हो गया, ढक्कन ओपन होते यहां देखो हमें एक कंपार्टमेंट मिलता है, और इतना गहरा कंपार्टमेंट हमें किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं मिलता है, छोटा सा कंपार्टमेंट है बट गहराई काफी अच्छा है, और इसमें हमारा छोटा छोटा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। चलो पीछे वाला ढक्कन ओपन करते हैं देखते कितना स्पेस है, पीछे देख सकते हो हमें एक स्टिकर मिलता है जिसपे हम अपना नाम और क्लास लिख सकते हैं। बड़े वाले ढक्कन को ओपन करते हैं देखते कितना स्पेस है, बड़े वाले ढक्कन को ओपन किया तो यहां देख सकते हो कंपार्टमेंट मिलता है, इस वाले कंपार्टमेंट की गहराई काफी अच्छी, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। तो आपको ये डोरेमोन की ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते और देखते इस बॉक्स में क्या मिलता है कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में हमें मिलता है बहुत ही प्यार सा और बहुत ही सुंदर सा एक इलेक्ट्रिक पेंसिल शार्पनर, देख सकते हो कितना सुंदर इलेक्ट्रिक पेंसिल शार्पनर है, ऊपर से हम पेंसिल को डालेंगे फिर ये शार्पनर हमारी पेंसिल को काफी अच्छे से शार्प कर देगा ऑटोमेटिक। और इस ऑटोमेटिक पेंसिल शार्पनर को चलाने के लिए दोस्तों नीचे हमें बैटरी कंपार्टमेंट मिलता है, इसमें हमें बैटरी डालनी पड़ेगी तब जाके दोस्तों ये पेंसिल शार्पनर चलेगा। तो इस पेंसिल शार्पनर को हम बाद में यूज करके देखेंगे कैसे चलता है। तो साइड रखते और देखते इस बॉक्स में क्या मिलता है कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में हमें मिलता है एक बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर सा स्पाइडरमैन का पेन, और इस पेन के पीछे देख सकते हो गाइस हमें मिलते पॉपिट और एक स्पिनर भी मिल जाता है। चलो इस पेन की टिप देखते कैसे है, तो ढक्कन ओपन किया और ये देखो पेन की टिप कितनी पतली और कितनी लंबी है। तो आपको ये स्पाइडरमैन का पेन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो हम मिलते एक और स्पाइडरमैन की ज्योमेट्री बॉक्स। चलो ढक्कन ओपन करते देखते इस ज्योमेट्री बॉक्स में कितना स्पेस है और कितना स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। ढक्कन ओपन किया तो ढक्कन ओपन करते यहां देखो हमें मिलता है इस ज्योमेट्री बॉक्स में पियानो। और वाह यहां देख सकते हो ऑन ऑफ का बटन है, तो बटन को ऑन किया और पियानो चालू। और वाह काफी जबरदस्त पियानो, चलो इन्हें बजाते पियानो को। अरे यार काफी मजा आ रहा है यार पियानो बजाने में तो यार, और सारे बटन से अलग अलग वॉल्यूम की आवाज आ रही है।
अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है, बहुत ही सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है, और ऐसी ज्योमेट्री बॉक्स मैंने आज तक कभी भी नहीं देखी थी। और ये पियानो तो 360 रोटेट भी हो रहा है, देख सकते हो। इस पियानो को इस तरह रोटेट करके हम फिर यहाँ रख लेंगे ज्योमेट्री बॉक्स पे, फिर पियानो बजाएंगे। अरे वाह, अरे वाह, काफी अच्छा टाइम पास हो रहा है इस पियानो से तो दोस्तों। चलो और देखते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में कितना स्पेस और कितना स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो लॉक मिलता है, लॉक को खोला और यहाँ देखो हमें एक कंपार्टमेंट मिलता है। इस कंपार्टमेंट में तीन सेक्शन मिलते हैं, एक सेक्शन में पेंसिल लॉक मिलता है जिसमें हम अपनी 5 पेंसिल को लॉक करके रख सकते हैं। दो छोटे छोटे सेक्शन मिलते हैं जिनमें हम अपनी स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं। चलो पीछे वाले ढक्कन को ओपन करते हैं, देखते कितना स्पेस है। पीछे वाले ढक्कन को ओपन किया, पीछे देख सकते हो हमें दो सेक्शन मिलते हैं, दोनों सेक्शन में हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। और इधर देखो हमें क्या मिला, एक लॉक मिलता है, इस लॉक को खोला तो इसके अंदर मिलते हैं हमें डुअल पेंसिल शार्पनर। और वाह, देख सकते हो। और यहाँ एक और लॉक मिलता है, इस लॉक को खोला तो इधर हमें खाली कंपार्टमेंट मिलता है जिसमें हम अपनी रेजर रख सकते हैं। तो आपको ये पियानो वाली ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में हमें मिलती है एक बहुत ही प्यार, बहुत ही सुंदर सा BTS का फैन, देख सकते हो। पंखा मिलता है, और ये पंखा नहीं है, ये है पंखे वाला पैन। वो कैसे, चलो दिखाता हूं। आगे हमें ढक्कन मिलता है, ढक्कन खोला और ये देखो पैन की टिप। और सबसे अच्छी बात है इस पैन को दोस्तों हम फैन से अलग भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह से देख सकते हो। हमने फैन को निकाल लिया पैन से, तो पैन अलग हो गया और फैन अलग हो गया, देख सकते हो काफी सुंदर। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो हमें मिलती है ब्लू कलर की स्टेशनरी किट। और ये तो बहुत ही प्यारी स्टेशनरी किट है। चलो फटाफट स्टेशनरी किट को ओपन करते हैं, देखते हैं इस किट में हमें क्या क्या चीजें मिलती है और कैसी कैसी चीजें मिलती है। तो बटन को खोला, निकालते स्टेशनरी आइटम, तो सबसे पहले देखो इसके अंदर मिलता हमें एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर सा पेंसिल बॉक्स, मेटल का पेंसिल बॉक्स है। और इस पेंसिल बॉक्स के पीछे हमें अल्फाबेट और टेबल देखने को भी मिल जाता है। और ढक्कन ओपन किया, एक कंपार्टमेंट मिलता है, गहराई काफी अच्छी, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। तो आपको ये ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये देखो इस किट में हमें क्या मिला, तो इस किट में हमें मिलता है एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही बड़ा व्हाइट बोर्ड। इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड दोस्तों हमें किसी भी किट में नहीं मिलता है, देख सकते हो। और ऊपर हमें हैंडल भी मिल जाता है जिसे काफी इजी से कैरी करके चल सकते हैं इस व्हाइट बोर्ड को। कितना बड़ा व्हाइट बोर्ड मिल गया दोस्तों, काफी सुंदर। और देखते इस किट में हमें क्या मिलता है, कैसी चीज मिलती है। तो इस किट में देखो हमें मिलती है एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर सी ड्राइंग बुक जिसमें हमें काफी सारे पेजेस भी मिल जाते हैं, देख सकते हो। और क्या मिलता है इस किट में, तो इस किट में हमें मिलते हैं क्रियॉन्स कलर, और इसमें दोस्तों हमें 8 शेड्स के क्रियॉन्स कलर मिलेंगे। चलो साइज देखते हैं इन क्रियॉन्स कलर के। तो बॉक्स को हमने खोला अच्छे से, निकालते हैं क्रियॉन्स कलर, और ये देखो क्रियॉन्स कलर की क्वालिटी, साइज भी काफी अच्छे है इन क्रियॉन्स कलर के। और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इस किट में हमें मिलता है एक मार्कर दोस्तों, और मार्कर के आगे हमें डस्टर भी मिल जाता है, और इस मार्कर की सहायता से हम व्हाइट बोर्ड पे कुछ भी वर्क कर सकते हैं, देख सकते हो। कितना जबरदस्त चल रहा है मार्कर दोस्तों, यानी व्हाइट बोर्ड पे। और ये देखो डस्टर, डस्टर से मिटा देंगे हम व्हाइट बोर्ड को, देख सकते हो, है ना, काफी सुंदर काफी प्यारा सेट दोस्तों। और क्या मिलता है इस किट के अंदर, तो इस किट में हमें तीन HP पेंसिल देख सकते हो, तीनों HP पेंसिल दोस्तों हेक्सागोन वाली है, काफी अच्छी काफी लंबी लंबी HP पेंसिल मिल जाती है इस किट के अंदर। और ये देखो इस किट में हमें मिलता है पेंसिल शार्पनर, काफी अच्छी क्वालिटी का, और एक मिलता है हमें इरेजर, काफी अच्छी क्वालिटी का और काफी मोटा इरेजर मिल जाता है। तो आपको ये स्टेशनरी किट कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो इस स्टेशनरी किट का व्हाइट बोर्ड बहुत ज्यादा अच्छा लगा। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो हमें मिलते हैं और बहुत ही सुंदर सी ज्योमेट्री बॉक्स, और इस ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर हमें नेविगेशन मिलता है और दो दो बटन मिलते हैं। इन दोनों बटन का यूज देखते क्या है, तो पहले बटन को दबाया तो एक छोटा सा कंपार्टमेंट बाहर आता है जिसमें हम अपनी छोटी छोटी स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं। सेकंड बटन दबाया तो ये देखो नीचे से एक कंपार्टमेंट बाहर आता है। और वाह दोस्तों, और इस कंपार्टमेंट में हमें मिलता है पेंसिल लॉक, 5 पेंसिल लॉक मिल जाते हैं। और इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमें मिलता है दो दो पेंसिल शार्पनर, देख सकते हो। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन किया तो यहाँ देखो हमें ढक्कन में एक पॉकेट मिलता है जिसमें हम अपना पूरा क्लास शेड्यूल लिख के रख सकते हैं। ये देखो एक कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट में हमें 5 पेंसिल लॉक मिल जाता है। चलो पीछे वाले ढक्कन को ओपन करते हैं और इस ज्योमेट्री बॉक्स के पीछे हमें एक स्टिकर मिलता है जिस पर हम अपना नाम और क्लास लिख सकते हैं। ढक्कन ओपन करते हैं, देखते कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन किया, एक काफी बड़ा कंपार्टमेंट मिलता है, इसमें भी काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। तो आपको ये दो बटन वाली ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में हमें मिलता है बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर सा पिगी बैंक, और इस पिगी बैंक के ऊपर हमें हैंडल भी मिल जाता है, यहां से हम पैसे डाल
निकालेंगे और पैसे कैसे निकालेंगे, तो पीछे हमें लॉक मिलता है, इस लॉक में पासवर्ड सेट कर देंगे 00, फिर दोस्तों यहाँ बटन मिलता है, बटन को दबाएंगे फिर ढक्कन ओपन हो जाएगा, फिर हम मनी निकाल लेंगे इसके अंदर से। तो आपको ये पिगी बैंक कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जो साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है, कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में हमें मिलता है बहुत ही प्यार सा स्पेस का वॉलेट, देख सकते हो पैसे रखने वाला वॉलेट मिल जाता है। यहाँ टेप मिलती है, टेप को हटाया और इसके अंदर मिलती है हमें एक जिप, जिप के अंदर दोस्तों हम अपनी मनी रख सकते हैं। तो आपको ये वॉलेट कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जो साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है, कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो हमें मिलती है बहुत ही प्यारी सी मिक्की माउस की स्टेशनरी किट, और ये देखो बस लुक में ये स्टेशनरी किट है, ऊपर हमें काफी अच्छा हैंडल भी मिल जाता है। चलो फटाफट स्टेशनरी आइटम निकालते हैं, देखते हमें क्या क्या चीजें और कैसी कैसी चीजें मिलती है इस किट के अंदर। तो इस किट में हमें मिलता है बहुत ही प्यारा सा इरेजर, एक पेंसिल शार्पनर और एक HB पेंसिल, और एक मिलता हमें रूलर, देख सकते हो कितना अच्छा रूलर मिला है, काफी फ्लेक्सिबल रूलर है। और क्या मिलता है इस किट के अंदर, तो इस किट में हमें मिलती है एक बहुत ही प्यारी सी ज्योमेट्री बॉक्स, देख सकते हो कितनी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है, और इस ज्योमेट्री बॉक्स के पीछे भी हमें अल्फाबेट देखने को मिल जाती है, और एक कंपार्टमेंट मिलता है इस ज्योमेट्री बॉक्स में। तो साइड रखते हैं और क्या मिलता है इस बॉक्स में, तो इस बॉक्स में हमें मिलता है एक मिस्टर फैट का पेंसिल शार्पनर, वो कैसे चलो दिखाता हूँ। तो नीचे में होल मिलता है, नीचे में पेंसिल शार्पनर मिलेगा, इसमें पेंसिल डालेंगे, पेंसिल को शार्प करेंगे, सारा कूड़ा दोस्तों इस बॉल में जमा हो जाएगा, फिर ऊपर से हम इस बॉल को खोलेंगे, फिर पेंसिल का सारा कूड़ा फेंक देंगे। तो आपको ये मिस्टर फैट वाला पेंसिल शार्पनर कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जो साइड रखते और देखते इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है, कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स से हमें मिलता है बहुत ही प्यार सा डोरेमोन का पेंसिल शार्पनर, देख सकते हो कितना प्यारा पेंसिल शार्पनर मिल गया डोरेमोन का। और क्या मिलता है इस बॉक्स में, तो इस बॉक्स में हमें मिलता है डोरेमोन का पाउच, देख सकते हो कितना प्यारा पाउच है। यहाँ देख सकते हो जिप मिलती है, जिप को खोला और इसके अंदर स्पेस भी काफी अच्छा है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। और देखते इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है, तो इस बॉक्स में हमें मिलता है बस वाली ज्योमेट्री बॉक्स, बहुत ही प्यारी सी ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन करते हैं, इनमें हमें एक पॉकेट मिल जाता है जिसमें हम अपना पूरा क्लास शेड्यूल लिख के रख सकते हैं। यहाँ देख सकते हो दो सेक्शन मिलता है, एक सेक्शन में पेंसिल लॉक मिलता है, ये देखो पीछे हमें साइलेंसर मिलता है, और ये साइलेंसर नहीं है, ये है हिडन पेंसिल शार्पनर, देख सकते हो है ना काफी सुंदर। चलो पीछे वाला ढक्कन ओपन करते हैं, देखते कितना स्पेस है। पीछे वाला ढक्कन ओपन किया, पीछे भी हमें एक कंपार्टमेंट मिलता है, पीछे वाला कंपार्टमेंट गहराई काफी अच्छे, काफी सारे स्पेस है आइटम आ जाएगा। और देखते इस बॉक्स से हमें क्या मिलता है, तो इस बॉक्स से हमें मिलते हैं एक कार वाली ज्योमेट्री बॉक्स, और ये तो कार बन गई ट्रोली बैक लुक में, देख सकते हो कितनी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है। ढक्कन ओपन किया तो यहाँ देख सकते हो कंपार्टमेंट मिलता है, इस कंपार्टमेंट में काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। और देखते इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है, तो इस बॉक्स में हमें मिलता है एक कार वाला पेंसिल शार्पनर, वो कैसे चलो दिखाता हूं। तो कार के पीछे हमें होल मिलता है, इस होल में पेंसिल डालेंगे और कूड़ा कैसे फेंकेंगे ये देखो है ना काफी सुंदर। और क्या मिलता है इस बॉक्स में, तो इस बॉक्स से हमें मिलता है मपेट ऑयल पेस्टल कलर, और वाह ब्लू कलर का बॉक्स है। तो लॉक को खोलते हैं, देखते हैं ऑयल पेस्टल कलर कैसे हैं। तो बॉक्स को खोला और ये देखो ऑयल पेस्टल कलर, और वाह। और सबसे अच्छी बात है ये ट्रायंगुलर ऑयल पेस्टल कलर है, और ऐसे ऑयल पेस्टल कलर तो मैंने आज तक कभी भी नहीं देखे थे, क्वालिटी काफी अच्छी है दोस्तों। चलो साइड रखते और देखते इस बॉक्स से हमें क्या मिलता है, कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स से हमें मिलती है एक और ज्योमेट्री बॉक्स, बहुत ही प्यारी सी ज्योमेट्री बॉक्स है। यहाँ देख सकते हो दो बटन मिलते हैं, इन दोनों बटन को दबाते हैं, ऊपर वाले बटन को दबाए तो ऊपर वाला ढक्कन ओपन हो गया, यहाँ देख सकते हो और ढक्कन ओपन होती है। यहाँ देख सकते हो एक कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट में हमें 1, 2, 3, 4 सेक्शन मिलते हैं, एक सेक्शन में हमें मार्कर मिल जाता है, मार्कर मिला व्हाइट बोर्ड भी मिलेगा, और ये देखो ढक्कन में हमें मिलता है व्हाइट बोर्ड, देख सकते हो काफी सुंदर दोस्तों। चलो पीछे वाले ढक्कन ओपन करते, देखते कितना स्पेस है। पीछे वाले बटन को दबाए तो देखो पीछे वाले बटन को दबाते, पीछे वाला ढक्कन ओपन हो गया, और इधर हमें एक पेंसिल लॉक मिलता है जिसमें हम अपनी 5 पेंसिल को लॉक करके रख सकते हैं, स्पेस भी काफी अच्छा है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। और देखते इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है, तो इस बॉक्स में हमें मिलता है एक आउल, इस आउल के बॉटल में हमें क्या मिलता है, तो फटाफट ढक्कन ओपन किया, आउल की आंखों को निकाला और इसके अंदर मिलता है हमें स्केच पेन, और वाह काफी अच्छे से। तो साइड रखते हैं और क्या मिलता है इस बॉक्स में, तो इस बॉक्स से हमें मिलती है एक कार, देख सकते हो, और ये कार नहीं है, ये है कार लुक में बहुत ही सुंदर सा पेन, वो कैसे चलो दिखाता हूं। पहले तो ये देखो व्हील घूम रहे हैं इसके, और पीछे हमें साइलेंसर मिलता है, साइलेंसर को दबाएंगे फिर पेन की टिप बाहर आ जाएगी, देख सकते हो काफी अच्छा पेन मिल जाता है इस बॉक्स के अंदर। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है, तो इस बॉक्स से हमें मिलता है एक बहुत ही प्यारी सी ज्योमेट्री बॉक्स, ये काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है, देख सकते हो लॉक मिलता है, लॉक को खोला ढक्कन, और इसके अंदर देखते हैं हमें क्या मिलता है, तो इसके अंदर मिलता है हमें 3-3 पेंसिल शार्पनर, और वह देख सकते हो 3-3 पेंसिल शार्पनर हमें किसी
भी ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं मिलते। एक पेंसिल शार्पनर तो मैकेनिकल पेंसिल को शार्प करने के लिए भी मिल जाता। अरे वाह, और इस ज्योमेट्री बॉक्स के नीचे देखो हमें क्या मिले, पेंसिल लॉक। और ऐसे पेंसिल लॉक हमें किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं मिलते। इन पेंसिल लॉक को ऊपर करेंगे फिर नीचे से पेंसिल निकल जाएगी, देख सकते हो, है ना, काफी सुंदर काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स। चलो ढक्कन ओपन करते देखते कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन किया तो ये देखो, ढक्कन ओपन करते दो सेक्शन है, दोनों सेक्शन में काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में क्या मिलता है, कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में हमें मिलता है एक बहुत ही प्यारा सा रोबोट, देख सकते हो, और रोबोट नहीं है ये, है रोबोट वाला पेंसिल शार्पनर, देख सकते हो कितना प्यारा पेंसिल शार्पनर मिल गया। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में हमें मिलती है काऊ वाली ज्योमेट्री बॉक्स, कितनी प्यारी काऊ है दोस्तों। और ढक्कन ओपन किया यहाँ देख सकते हो दो सेक्शन मिलते हैं, और बीच वाले ढक्कन को ओपन किया तो इधर देखो हमें एक और कंपार्टमेंट मिलता है, और इधर देखो हमें टेबल देखने को भी मिल जाती है। और काऊ के आगे वाले टायर को हम खोलेंगे तो पेंसिल शार्पनर बाहर आ जाएगा, देख सकते हो हिडन पेंसिल शार्पनर मिल जाता है इस ज्योमेट्री बॉक्स में। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में हमें मिलता है एक बहुत ही प्यारी सी ज्योमेट्री बॉक्स, ये देख सकते हो कितनी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है, मेटल की ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो ढक्कन ओपन करते हैं देखते हैं कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन किया तो यहाँ दो सेक्शन मिलता है, ऊपर वाले सेक्शन में टेबल देखने को मिल जाता है, ऊपर वाले सेक्शन में हम छोटी छोटी स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं, और नीचे वाले सेक्शन में हम अपनी बड़ी बड़ी स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं। चलो पीछे वाला ढक्कन ओपन करते देखते कितना स्पेस है। पीछे वाला ढक्कन ओपन किया, पीछे देख सकते हो हमें क्या मिला, अरे वाह एक लॉक मिलता है, अरे वाह, और ये लॉक नहीं है ये तो है बुक स्टैंड, अरे वाह इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमें मिलता है बुक स्टैंड, देख सकते हो कितनी अच्छी क्वालिटी का हमें बुक स्टैंड मिल जाता है, ये तो है बुक स्टैंड वाली ज्योमेट्री बॉक्स। चल साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में हमें मिलता है एक यूनिकॉर्न का सेट, इस सेट में गाइस हमें मिले एक साइड मिलता है ब्रश और एक साइड इरेजर मिल जाती है, और बीच वाले पार्ट को खोलेंगे तो बीच में पेंसिल शार्पनर मिल जाता है, 3-in-1 सेट मिलता है यूनिकॉर्न का। चल साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में क्या मिलता है। तो बॉक्स हो गया खाली, आज इस बॉक्स में हमें एक से बढ़कर एक यूनिकॉर्न स्टेशनरी आइटम मिली। आपको सबसे अच्छी कौन सी स्टेशनरी आइटम लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना वीडियो को लाइक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो साथ अच्छे से कलेक्शन के साथ अच्छे से अनबॉक्सिंग साथ। जब तक बाय बाय दोस्तों।